गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर जीके क्लासेस। सो क्लास सेकंड, हम लोगों ने अभी तक इंडोर आउटडोर गेम्स के बारे में जान लिया, पढ़ लिया 37 और 38 चैप्टर नंबर में, 38 और 39 चैप्टर नंबर में। अब आज लेसन नंबर 40th लेसन नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट स्पोर्ट्स स्टार्स। ठीक है, तो स्पोर्ट्स स्टार्स के बारे में हम पढ़ेंगे, विच इज ऑन पेज नंबर 4949। चलो सारे बच्चे पेज नंबर 4949 पे आ जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो लेसन नंबर 40 में क्या पढ़ना है, अबाउट SPORTS स्पोर्ट्स, STARS स्टार्स। तो देखिए, खेल जगत में, खेल की दुनिया में, गेम्स की दुनिया में जो लोगों ने अपना नाम कमाया है, जो लोग बहुत पॉपुलर हैं, फेमस हैं, जिनको सारी दुनिया जानती है, वही क्या है, स्पोर्ट के स्टार्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, क्रिकेट, उनको जब भी सचिन तेंदुलकर का नाम आता है तो हम उनको क्रिकेट से जोड़ते हैं, हम जानते हैं कि वो एक क्रिकेटर है। ठीक है ना, अभी तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन वो क्रिकेट हमेशा खेलते थे, उनका प्रोफेशन था। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग स्पोर्ट्स से उनका रिलेशन है, वो खेलते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में ही उस स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा जगह दी, उसको ही अपना जीवन बना लिया। ऐसे स्पोर्ट्स स्टार्स को हम लोग पढ़ेंगे। चलो लेसन नंबर 4049 स्पोर्ट्स स्टार्स, पेज नंबर 4949। सो लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा बच्चों, गेम्स प्लेड एट कॉम्पिटिटिव लेवल आर कॉल्ड स्पोर्ट्स। तो वो गेम जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेला जाता है, मतलब जिसमें टीम्स के बीच में या फिर कंपटीटर्स के बीच में एक बहुत ही टफ कंपटीशन होता है, उसको हम लोग स्पोर्ट्स कहते हैं। एवरी स्पोर्ट हैज़ स्टार प्लेयर्स, और हर एक स्पोर्ट का स्टार प्लेयर होता है, मतलब उस गेम को खेलने वाला एक बहुत ही अच्छा शख्स पर्सन होता है। रिकग्नाइज दीज स्पोर्ट्स पर्सन एंड राइट देयर नेम्स एंड द स्पोर्ट्स दे प्ले। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों का नाम लिखा है, आपको इनको पहचानना है और बताना है कि ये जो पर्सन है ये कौन सा गेम खेलते हैं और इनका नेम क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। 1, पहला देखिए ये कौन है, MC मैरी कॉम, एंड शी इज बॉक्सर। तो बॉक्सिंग में ये एक बहुत ही महान ये लेडी हैं जिन्होंने बॉक्सिंग के फील्ड में अपना नाम कमाया। ये 6 times ये विनर रही हैं, 6 times ये इंटरनेशनल विनर रही हैं, ओलंपिक मेडल इनके पास 6 ओलंपिक मेडल्स हैं। तो ये बहुत ही महान शख्स हैं, इनका नाम है MC मैरी कॉम। तो कैसे लिखोगे, MCMARY मैरी COM कॉम, MC मैरी कॉम। और ये कौन सा गेम खेलती है, बॉक्सिंग, BOXING बॉक्सिंग। चलो इनके बारे में जान लिया, अब आ जाओ सेकेंड नंबर पे। ये इसके इनको तो सभी बच्चे जानते होंगे, कौन है, सचिन तेंदुलकर, और ये क्या खेलते हैं, क्रिकेट। चलो इनको इनका नाम याद करने की किसी भी बच्चे की जरूरत नहीं है, सबको याद है, बस नाम का स्पेलिंग याद करने की जरूरत है। कैसे होंगे, SACHIN सचिन, TENDULKAR तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। कौन से गेम से रिलेटेड है, CRICKET क्रिकेट। क्लियर, आगे थर्ड में
देखिए जो थर्ड में पर्सन है ये भी बहुत महान शख्स हैं, इनका नेम है सुशील कुमार एंड ही इज अ रेसलिंग रेसलर। तो ये कौन से गेम से रिलेटेड है? रेसलिंग से। कैसे लिखोगे? एस यू एस एच आई एल सुशील के यू एम ए आर कुमार और ये क्या खेलते हैं? रेसलिंग। रेसलिंग इस स्पेलिंग सब लोग सही से लिखोगे डब्ल्यू आर ई एस जी एल आई एन जी रेसलिंग। फिर फोर्थ नंबर पे देखिए ये कौन है? ये है मिथाली राज। और मिथाली राज जो है ये हमारे देश की इंडियन क्रिकेट टीम की वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेयर है और ये कैप्टन भी है। ठीक है, तो हमारे देश में जो महिलाओं का क्रिकेट होता है उनकी ये कैप्टन है। ये क्या नाम है? मिथाली राज। एम आई टी एच ए एल आई एम आई टी एच ए एल आई मिथाली आर ए जे राज कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट। सी आर आई सी ए टी क्रिकेट। ये हो गया आपका फोर्थ वाला। बाद में फिफ्थ वाले पे चलो फिफ्थ को भी सबसे फिफ्थ में भी जो बना है उनको सब बच्चे जानते हैं। शी इज सानिया मिर्जा और ये क्या खेलती है? टेनिस। शी इज टेनिस प्लेयर। तो कैसे लिखोगे? एस ए एन आई ए सानिया एम आई आर जेड ए मिर्जा सानिया मिर्जा और कौन से खेल से संबंधित है? शी प्लेज टेनिस टी ई डबल एम आई एस टेनिस। चलो ये हो गया आपका फिफ्थ। अच्छा लास्ट सिक्स्थ में कौन बना है? पीवी सिंधु। और क्या खेलती है, कौन सा गेम खेलती है? ये बैडमिंटन। कैसे लिखोगे? पी वी सिंधु एस आई एन डी एच यू पी वी सिंधु। और ये कौन से खेल से संबंधित है? बी ए डी एम आई एन टी ओ एन बैडमिंटन। चलो सारे बच्चे कर लेंगे। चलो आज फैक्ट फाइल में क्या लिखा है? द वर्ल्ड स्पोर्ट कम्स फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड डेस्पोर्ट मीनिंग लीजर। तो जो स्पोर्ट शब्द है ये कहाँ से आया, कहाँ से मिला हमको? एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड था, फ्रेंच इज अ लैंग्वेज, उसमें एक शब्द था डेस्पोर्ट और डेस्पोर्ट का मतलब था लीजर टाइम। लीजर मतलब कि जब आप किसी भी चीज़ को अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो फॉर एंटरटेनमेंट, है ना, फॉर एंजॉयमेंट, ना कुछ हैप्पीनेस के लिए जब आप समय अपना व्यतीत करते हो तो लीजर टाइम को ही डेस्पोर्ट को ही लेजर टाइम कहा गया। और डेस्पोर्ट से हमने क्या हमारा इंग्लिश कौन सा वर्ड आ गया? स्पोर्ट। थिंक एंड आंसर। चलो थिंक एंड आंसर में आ जाओ। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करना है। देखिए ए एंड बी, तो पहले में क्या लिखा है? डैश
इज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट. तो पूरे विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ऑन 6 अप्रैल. फर्स्ट वाला आंसर हो गया 6 अप्रैल. अच्छा, हमारे देश में स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे 29th of August. तो 29 AUGUST. ठीक है, 29 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं. मतलब अपने देश में, पूरे देश में स्पोर्ट्स डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा ये लेसन भी खत्म हो गया बच्चों. आप लोग ये थिंग आंसर में कर लो एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर. ओके, क्लास सेकेंड. थैंक यू.